बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 15.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 15.3 के उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण पहला, उदाहरण नंबर 6 क्या दिया है, देखिए मात्रा तथा मूल्य। अब जब हमने चैप्टर 15 का परिचय पढ़ा था तब हमने देखा था कि मात्रा और मूल्य ऐसी दो चर राशियां हैं जिसके अंदर मात्रा तो कौन सा चर है, स्वतंत्र चर, और जो मूल्य है वह है आश्रित चर। क्या होता है स्वतंत्र चर और आश्रित चर, यहाँ पर ये देखिए पेट्रोल की मात्राएं हैं, तो हम जितना पेट्रोल की मात्रा लेना चाहें हम ले सकते हैं, ये स्वतंत्र चर है। तो जैसे जैसे पेट्रोल की मात्रा बढ़ेगी तो हमको जो मूल्य देना होगा वह भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यह जो पेट्रोल का मूल्य है वह मात्रा पर आश्रित है, तो इसका मतलब जो पेट्रोल का मूल्य है वह होगा आश्रित चर। तो इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ हम ये समझ चुके हैं कि इस तरह की जो राशियाँ होती है जिसमें एक तो स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है, उनके ग्राफ आते हैं रैखिक आलेख। तो हमको यही रैखिक आलेख इस दी गई टेबल के लिए बनाना है। तो इसमें क्या दिया गया है देखते हैं, इसमें दिया है पेट्रोल की मात्रा लीटर में, 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य दिया है रुपयों में 500 रुपये। पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई, 15 लीटर पेट्रोल लिया तो मूल्य कितना चुकाना पड़ रहा है, 750 रुपये। और पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई, 20 लीटर लिया तो कितना मूल्य हो गया, 1000 रुपये। और पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई 25 लीटर तो मूल्य कितना चुकाना हो रहा है, 1250 रुपये। तो ये सारणी आपको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करनी है। तो देखते हैं हम इसका ग्राफ। ग्राफ पेपर पर आपको सबसे पहले एक्स अक्ष बनाना होता है, ये बना लिया एक्स अक्ष, और बनाना होता है वाई अक्ष, ये बना लिया वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ कटते हैं वह होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ये हम जानते हैं। अब हमको सबसे पहला काम करना होता है पैमाना मानना होता है। तो पैमाना हम कैसे मानेंगे, तो इस आंकड़ों को देखकर मानेंगे। एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर क्या है, पेट्रोल की मात्रा। तो पेट्रोल की मात्रा को हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पर, क्लियर। अब एक्स अक्ष पर पैमाना मानना होगा, तो ये आंकड़े देखिए कैसे हैं, 10 15 20 25। तो एक खाना बराबर एक लीटर लेके कर सकते हैं हम, कैसे देखिए यहाँ हो जाएगा पेट्रोल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा कौन से अक्ष पे ले रहे हैं हम, एक्स अक्ष पर, लीटर में दी गई है। पैमाना माना एक इकाई बराबर एक लीटर, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने लीटर है, 25 तक, तो 25 तक हमको लिखना होगा, 20 21 22 23 24 और ये 25 लीटर, क्लियर। तो एक्स अक्ष पर पैमाना क्या लिया है हमने, यहाँ पैमाना लिखना होगा आपको, पैमाना एक्स अक्ष पर क्या लिया है हमने, एक इकाई, एक खाना मतलब एक इकाई बराबर ले रहे हैं हम एक लीटर, क्लियर। अब वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, पेट्रोल का मूल्य, तो यहाँ हम लिख देते हैं पेट्रोल का मूल्य रुपयों में ही दिया गया है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या पैमाना लें, 500 750 1000 1250, तो दो खाने बराबर 100 लेके करते हैं हम, देखते हैं आ रहा है या नहीं पूरा ग्राफ पर। तो ये दो खाने बराबर 100, तो यहाँ आ जाएगा 100, दो खाने बराबर आगे का 100, तो 100 के बाद क्या आ जाएगा, 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, फिर क्या आएगा 800, फिर क्या आएगा 1000, फिर 1200। 100 का गैप लेके चल रहे हैं हम, 100 200 300 400 500 600 700 800, और फिर आएगा यहाँ पर, ये गलत है, 900, और फिर आएगा यहाँ पर 1000,
और फिर दो खाने बाद आएगा 1100, 100 का अंतर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 800, 900, 1000, 1100, फिर आया 1200 और फिर दो खाने बाद आ गया 1300। ये क्लियर है? कहाँ तक करना है हमको? 1250 तक, तो ये 1300 तक सही है, पूरा ग्राफ में आ गया। तो हमने यहाँ पर वाई अक्ष पर क्या पैमाना लिया? 2 इकाई बराबर 100 रुपये। क्लियर? 2 इकाई बराबर हमने लिया है 100 रुपये। तो यहाँ पर 0 था, तो यहाँ दो खाने बाद 100 हो गया। फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। क्लियर है? यहाँ ये पैमाना समझ में आया, पैमाने के बाद ये संख्याएं कैसे निरूपित करी ये भी समझ में आ गया। अब हम लगाएंगे पॉइंट। तो 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य दिया है आपको 500 रुपये। तो 10 रुपये कहाँ पर है? ये रहा 10 लीटर कहाँ पर? यहाँ पर लीटर है, पेट्रोल की मात्रा लीटर में ली गई है, तो 10 लीटर यहाँ पर है। इसकी रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका मूल्य कितना दिया गया है? 500 रुपये। तो 500 की रेखा कहाँ है? ये रही 500। इसको हमने आगे बढ़ाया और यहाँ से इसको आगे बढ़ा रहे हैं 10 लीटर वाले को। ये दोनों जहाँ पर कट रहे हैं वो हमारा अभीष्ट बिंदु होगा ग्राफ का। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, 15 पे 750। ये रहा 15 लीटर का है, ये 13, 14, 15। तो 15 की लाइन को हमने बढ़ाया आगे और इसका मूल्य है देखिए 750। 750 का आएगा, ये 700 है और ये 800 है। तो इसका जो बीच वाला खाना है ये किसको प्रदर्शित करेगा? 750 रुपये को। तो इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया और यहाँ से ये वाली लाइन आगे आई है। कौन सी वाली? 15 लीटर पेट्रोल वाली। ये जहाँ दोनों कट रहे हैं वो हमारा अभीष्ट बिंदु हो गया। क्लियर है? आगे वाला पॉइंट देखते हैं, 20 पे 1000। 20 लीटर कहाँ पर है? ये 19, ये 20 और इसका मूल्य कितना है? 1000। 1000 वाली रेखा कहाँ है? ये रही 1000 की रेखा, ये वाली 20 लीटर पेट्रोल की रेखा और ये 20 लीटर का मूल्य है 1000 रुपये। तो ये 1000 वाली रेखा, ये दोनों कट रहे हैं, वो हमको अपना अभीष्ट बिंदु मिल जाएगा। आगे देखते हैं, 25 लीटर का मूल्य 1250। तो 25 लीटर ये रहा लास्ट वाला, इसको हमने आगे बढ़ाया। आप स्केल से भी बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखाएं खींचेंगे और इसका मूल्य है 1250। कहाँ है 1250? ये 1200 और 1300 के बीच में क्या आएगा? 1250। क्लियर है? तो ये रेखाएं हमने आगे बढ़ा दी 1250 वाली। ये दोनों जहाँ पर कट रही है वो हमारा अभीष्ट बिंदु आएगा, ये वाला। क्लियर? सारे बिंदु हमने अंकित कर दिए। अब क्या करते हैं, इन सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो मिलाते हैं हम। आप सीधी स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी, तो ये हमारा अभीष्ट ग्राफ हमको प्राप्त हुआ। क्लियर है? इजी है? समझ में आया? तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पर मानना होगा ये पैमाना। ये पैमाना कैसे मानेंगे आप? आंकड़ों को देख के। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 इकाई बराबर 1 लीटर और वाई अक्ष पर लिया है 2 इकाई बराबर 100 रुपये। फिर ये सारे अंकित कर दिए हमने ग्राफ पर आंकड़े और फिर पॉइंट जो जो दिया गया है ये सारे पॉइंट हमने ग्राफ पे लगाए और बाद में इन पॉइंट्स को स्केल की सहायता से मिला दिया। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 7 देखिए, मूलधन तथा साधारण ब्याज। तो ये भी हम समझ चुके हैं, मूलधन और साधारण ब्याज भी ऐसी दो चर राशियाँ हैं जिसमें एक राशि तो होती है, कौन सी होती है एक राशि तो होती है स्वतंत्र चर और एक होती है आश्रित चर। तो जो मूलधन है वह है स्वतंत्र चर, आपकी जितनी इच्छा आप बैंक से उधार ले सकते हैं वह आपका हो जाएगा मूलधन। और जैसे जैसे आप मूलधन बढ़ाएंगे उस पर लगने वाला जो साधारण ब्याज है वह बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ये साधारण ब्याज हो गया आश्रित चर। अब आपको यहाँ क्या दिया है, एक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके जमा धन पर 10% साधारण ब्याज देता है। दर आपको दी है 10% और साधारण ब्याज है। क्लियर? जमा धन तथा उस पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज के संबंध को दर्शाने के लिए एक आलेख खींचिए। इस आलेख से निम्न ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, जमा धन और साधारण ब्याज में ग्राफ बनाना है। और अभी हम समझ चुके हैं कि जमा धन और साधारण ब्याज कैसी चर राशियाँ हैं, एक स्वतंत्र चर है और एक आश्रित चर है।
तो इनका ग्राफ कैसा आएगा? रेखिक आलेख आएगा। ये ग्राफ बनाने के बाद आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर कोई सारणी नहीं दी गई है, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए कुछ आंकड़े तो होने चाहिए, तो ऐसे वाले प्रश्नों में जो टेबल बनती है वह आपको खुद को बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हल यहाँ तो हो गया जमा धन, मतलब मूलधन, जमा धन, और इधर आ गया एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज, क्लियर। इन दोनों के बीच में एक टेबल बनानी है। अब जमा धन, तो देखिए आपको प्रश्न किस हिसाब से पूछा है, 250 रुपये जमा धन है, क्लियर, तो हम और बाद में है ब्याज, तो हम क्या करते हैं 100 रुपये से शुरू करते हैं। यदि जमा धन 100 रुपये है तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज का साधारण ब्याज का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हम पढ़ चुके हैं। तो P यहाँ पर कितना है 100, R दर कितनी दी गई है यहाँ पर 10%, तो ये आ गया R की जगह 10, T हमको पता है एक वर्ष है तो एक लिख देंगे, अपॉन 100 सूत्र का होता है, इसको हल किया 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 10 रुपये ब्याज, क्लियर। ये एक पॉइंट आ गया अपनी टेबल पर। दूसरा 200 रुपये के लिए निकाल के देख लेते हैं, ये हमने कर दिया 200 रुपये के लिए। ब्याज निकालना है तो क्या करते हैं, पी की जगह 200 हो गया, आर 10% ब्याज दर है, समय एक वर्ष ही है, बटा 100 सूत्र का है, ये 20 से 20 कट गए, तो 2 × 10 = 20 रुपये, क्लियर। साधारण ब्याज कितना आया एक साल का, 20 रुपये, क्लियर। तीसरा पॉइंट बनाना है अपन को अपने ग्राफ पर। अब हम लेके चलते हैं 300 रुपये के लिए, क्लियर है, तो मूलधन की जगह लिख दिया हमने अब 300 × 10 × 1/100, देखिए 20 से 20 कट गए तो ब्याज की राशि कितनी आई 30 रुपये, क्लियर है। आगे हमने ले लिया 500 रुपये, तो मूलधन की जगह हम लिख देंगे 500 × रेट तो वही है, दर तो वही है, समय एक वर्ष है, ये सूत्र का 100, ये 20 से 20 कट गया, तो ब्याज की राशि कितनी आई 50 रुपये, क्लियर। चौथा और लास्ट, पांचवा और लास्ट कौन सा ले लेते हैं, ₹1000, तो 1000 के मूलधन की जगह लिख दिया हमने 1000 × 10 × 1/100, ये देखिए 20 से 20 कट गया तो कितना ब्याज मिलेगा 100 रुपये, क्लियर है। ये टेबल कैसे बनानी है समझ में आ गया, इजी है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पर अंकित करेंगे। अब हम ये भी समझ चुके हैं कि जो जमा धन है या जो मूलधन है वह होता है स्वतंत्र चर, तो इसको ले लेंगे हम एक्स अक्ष पर, और जो साधारण ब्याज है वह है आश्रित चर। जैसे जैसे मूलधन बढ़ता जाएगा साधारण ब्याज भी बढ़ता जाएगा, तो ये हो गया आश्रित चर। आश्रित चर को हम ले लेते हैं वाई अक्ष पर, क्लियर। तो देखते हैं ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं जमा धन, तो ये हमने ले लिया जमा धन एक्स अक्ष पर। अब इसका पैमाना कैसा मानना है, देखिए 100, 200, 300, 500, 1000, तो 2 इकाई = 100 रुपये लेके देखते हैं हम, आ रहा है क्या पूरा ग्राफ पर, तो ये 2 इकाई = 100 रुपये, फिर आगे आ जाएगा 2 इकाई बाद 200, 300, 400, कितना है ये 400, 500, 600, देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, फिर 2 खाने = कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पर खानों को अंकित भी करते जाएंगे, ये 600 का खाना, अब 2 खाने छोड़ के आ जाएगा 700, फिर 2 खाने छोड़ के आ जाएगा 800, फिर 2 खाने छोड़ के आ जाएगा 900, फिर 2 खाने छोड़ के आ जाएगा 1000, तो हमको 1000 तक ही चाहिए था, तो आ गया ये हमारे ग्राफ पे। तो हम यहाँ पैमाना लिख देते हैं कि हमने क्या माना है, पैमाना एक्स अक्ष पर क्या मान के चल रहे हैं हम, 2 इकाई 2 खाने = 100 रुपये, क्लियर है। अब वाई अक्ष पर हमको लेना है साधारण ब्याज, तो यहाँ लिख देते हैं साधारण ब्याज वाई अक्ष पर, रुपए में ही है सब। अब देखते हैं कैसी संख्याएं, 10, 20, 30, 40, 50,
इस तरह की संख्याएं, तो दो इकाई बराबर 10 रुपये लेके चलते हैं हम। आ रहा है क्या? यहाँ आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए कहाँ तक है, 100 तक ही है, इतना काफ़ी है लिखना। और हमने क्या पैमाना माना है? वाई अक्ष पर दो इकाई बराबर 10 रुपये, यही माना है हमने। 10 रुपये बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हम लगाते हैं पॉइंट। तो देखिए जमा धन जब 100 रुपये था तो ब्याज 10 रुपये, तो 100 का है, देखिए ये रहा 100। तो जमा धन जब 100 रुपये था, ये रहा 100, तब ब्याज था 10 रुपये। ये आप स्केल से खींचेंगे तो एकदम एग्जैक्ट लाइन खींचनी है, जहाँ ये मिल रहे हैं वो एक पहला पॉइंट आ गया हमारा। आगे है 200 पे 20 रुपये, ये रही 200 की लाइन, 200 पे, ये रहा 20 रुपये। आगे बढ़ाया, जहाँ ये कट रहे हैं वो हमारा पॉइंट आ गया। आगे है 300 पे 30 रुपये, ये रही 300 की लाइन कहाँ है, और इस पर 30 रुपये, ये जहाँ कटा वो तीसरा पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है 500 पे 50 रुपये, तो ये रहा 500 की लाइन, 50 रुपये कहाँ है, ये रहे, कहाँ मिल रहे हैं ये देखिए, यहाँ ये वाला पॉइंट आ गया हमारा ग्राफ बिंदु। और 1000 पे 100 रुपये, 1000 की लाइन ये रही, ये 1000 की लाइन। 100 की लाइन कहाँ है, ये रही 90 के बाद 100। आपको सीधी खींचनी है स्केल से, ये आ गया हमारा अभीष्ट बिंदु। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो यह देखिए आप स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी आपके, क्योंकि कौन सा ग्राफ आता है, रेखिक आलेख आता है, तो ये हमको ग्राफ प्राप्त हुआ। क्लियर है? ग्राफ मिलने के बाद आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ए और बी, उनके आपको जवाब देने हैं। ए में क्या पूछा है, ₹250 जमा करने पर प्राप्त ब्याज। तो ₹250 कहाँ पर आएगा, इस अक्ष पर देखेंगे हम जमा धन। तो 250 कहाँ आएगा, 250, 200 और 300 के बीच में, तो ये है 250। क्लियर है? तो कितना ब्याज मिलेगा ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो अपने पास ग्राफ आया है उस पर खींचेंगे एक लाइन। ये लाइन जहाँ पे मिल रही है उसको इस तरफ वाई अक्ष पर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मिल रही है तो इसको हमने आगे बढ़ाया, तो ये कहाँ मिल रही है, 20 और 30 के बीच में। 20 और 30 के बीच में क्या होगा, 25, तो ये रेखा बता रही है 25 रुपये। तो इसका मतलब 250 रुपये जमा करने पर कितना ब्याज मिलेगा, 25 रुपये। तो हम पहले का उत्तर लिख सकते हैं, 250 रुपये जमा करने पर 25 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा यही पूछा था, तो 25 रुपये। क्लियर है? इसी का बी पार्ट भी है। देखिए बी पार्ट में क्या है, 70 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना होगा, 70 रुपये ब्याज। तो ब्याज तो हमने लिया है वाई अक्ष पर, तो देखिए 70 कहाँ आ रहा है, ये रहा 70, तो इसको आगे बढ़ाया हमने, ये ग्राफ को जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ से हमने नीचे वाई अक्ष पर लंब खींच दिया। कितना प्राप्त हुआ ये देखिए, 700 रुपये। तो मतलब आपको बी का, ये ए था, अब बी का उत्तर भी मिल गया कि 70 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये, 700 रुपये जमा करने होंगे, 700 रुपये जमा करने होंगे। क्लियर है? इजी, समझ में आया? सबसे पहले आपने क्या बनाई, ये टेबल बनाई जमा धन और साधारण ब्याज के बीच में, क्योंकि हम साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं, P(R)(T)/100। तो मूलधन आप अलग अलग मानते गए, दर आपको दी गई है 10%, समय 1 वर्ष के लिए निकालना है तो टी की जगह 1 आ जाएगा, सूत्र से हम ब्याज का मान निकाल लेंगे, तो हमको ये टेबल प्राप्त हुई। इस टेबल से बनाना है हमको ग्राफ, तो पैमाना माना और फिर पॉइंट लगा के ग्राफ प्राप्त हो गया। अब ग्राफ से कुछ प्रश्न पूछे हैं वह हम उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है? इजी है, समझ में आ गया? चलते हैं अगले उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 8। देखिए क्या दिया गया है,
समय और दूरी। अब ये भी हम समझ चुके हैं, समय और दूरी भी ऐसी दो चर राशियाँ हैं जिसके अंदर समय तो है स्वतंत्र चर। जैसे कोई कार आप चला रहे हैं तो ये समय आपके हाथ की बात है कि आप एक घंटा चलाते हैं, दो घंटा चलाते हैं, तीन घंटा चलाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपना समय बढ़ाते हैं वैसे वैसे तय की गई दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो दूरी क्या हो गई, आश्रित चर। क्लियर है? आपको समय और दूरी के बीच में ग्राफ बनाना है तो जो कि क्या आएगा, एक रेखिक आलेख प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इस पर आधारित उदाहरण है, अजीत लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाता है। उसकी चाल दी गई है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्थिति के लिए समय दूरी के बीच एक आलेख खींचिए, इस आलेख से ज्ञात कीजिए। और फिर आपको दो प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ भी आपको कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं, तो ये टेबल आपको खुद को बनानी है जैसे अभी बनाई थी। क्लियर है? तो देखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर दो राशियाँ हैं, समय और दूरी। तो इस तरफ तो हम ले लेते हैं समय और इधर ले लेते हैं तय की गई दूरी। क्लियर? इन दोनों के बीच में एक टेबल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उनसे आप ग्राफ बना पाएंगे। क्लियर है? तो इसकी चाल आपको दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एक घंटे में कितनी दूरी चल सकता है, ये 30 किलोमीटर। तो समय एक घंटा है, तब दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। यह है 30 किलोमीटर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दो घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 30 और 30, 60 किलोमीटर। ये आ गई 60 किलोमीटर। अगला तीसरा घंटा, तीन घंटे बाद कितनी दूरी कवर कर लेगा ये, फिर इसके अंदर 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90 किलोमीटर। आगे चार घंटे पर, चार घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा, 90 में और 30 जोड़ देंगे तो 120 किलोमीटर आ गया। आगे देखते हैं पाँच घंटे, पाँच घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा, तो 120 में और 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 150 किलोमीटर। ये आ गया 150 किलोमीटर। तो हमारे पास आंकड़े आ गए समय और दूरी के। अब हम इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो हम एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, जो स्वतंत्र चर है, यहाँ पर समय स्वतंत्र चर है, तो एक्स अक्ष पर ले लिया हमने समय, और वाई अक्ष पर ले लिया हमने दूरी, किलोमीटर में है, समय घंटे में। अब देखिए घंटे कैसे हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ग्राफ भी हमारे पास बड़ा है, तो चार इकाई बराबर एक घंटा लेके देखते हैं आ रहा है क्या यहाँ पर। तो ये रहा एक दो तीन चार, ये चार खाने हो गए, यहाँ आ गया एक घंटा, एक दो तीन चार, यहाँ आ गया दो घंटा, एक दो तीन चार, यहाँ आ गया तीन घंटा, एक दो तीन चार, यहाँ आ गया चार घंटा, एक दो तीन चार, यहाँ आ गए पाँच घंटे। तो पूरे पाँच घंटे इस ग्राफ पर आ गए। तो हमने यहाँ पर पैमाना लिखना होगा, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या माना हमने, चार इकाई बराबर एक घंटा, चार इकाई बराबर एक घंटा। क्लियर? अब हम वाई अक्ष पर क्या ले रहे हैं, दूरी। तो वाई अक्ष पर पैमाना लिखेंगे, वाई अक्ष पर देखिए वाई अक्ष पर दूरी कैसी है, 30, 60, 90, 120, 150। तो हम 10-10, दो खाना बराबर 10 किलोमीटर लेके चलते हैं, देखते हैं आता है क्या। ये दो खाने बराबर 10 लिए, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, कहाँ तक लेना है हमको, 150 तक। तो आ रहा है क्या, 120, 130 नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब हमको अपने पैमानों को थोड़ा छोटा करना होगा। तो अभी हमने क्या लिया था, दो खाने बराबर 10 किलोमीटर, तो ये नहीं बन पा रहा, तो हम ले लेते हैं एक खाना बराबर 10 किलोमीटर या एक इकाई बराबर 10 किलोमीटर। तो ये यहाँ से हटाना होगा, तो इसको यहाँ से हम हटाते हैं। तो देखिए अब इसकी जगह हमने माना है अपना पैमाना एक इकाई बराबर 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ आ गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140 और ये 150, 150 लास्ट है, ये रहा 150। तो आ गया ये पूरी ग्राफ में। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई अक्ष पर पैमाना एक इकाई बराबर 10 किलोमीटर। ये समझ में आ गया, पैमाना पहले वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास ग्राफ छोटा पड़ गया था, 150 नहीं दिखा पा रहे थे उसमें, तो हमने अपने पैमाने को कर दिया छोटा। तो पहले हमने माना था 2 इकाई बराबर 10 किलोमीटर, अब हमने ले लिया 1 इकाई बराबर 10 किलोमीटर। क्लियर है? अब पॉइंट लगाते हैं, 1 घंटा 30 किलोमीटर, 1 घंटे पे कहाँ था ये 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर वाली लाइन को आगे बढ़ाया, 1 घंटे वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ये जहाँ मिल रहे हैं वो हमारा अभीष्ट बिंदु हो गया। क्लियर है? ये आपको सही से लाइन बनानी है। दूसरा देखिए, 2 घंटा 60 किलोमीटर, ये रहा 2 घंटा, इस पर है 60, ये रही 60 की लाइन, कहाँ मिल रहे हैं, ये रहा, ये हमारा अभीष्ट बिंदु आ गया। 3 घंटा 90 किलोमीटर, ये 3 घंटे वाली लाइन 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ये हमारा अभीष्ट बिंदु आ गया। क्लियर है? आगे देखिए, 4 घंटा 120 किलोमीटर, ये 4 घंटे वाली लाइन, इस पर है 120 किलोमीटर, कहाँ मिल रहे हैं ये दोनों, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा अभीष्ट बिंदु। क्लियर? आगे है 5 घंटा 150 किलोमीटर, 5 घंटे की लाइन ये रही, 5 घंटे में कितनी दूरी चली है 150 किलोमीटर, तो ये 150 किलोमीटर वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं ये हमारा अभीष्ट बिंदु आ गया। तो इनकी इन राशियों का ग्राफ कैसा आता है हम समझ चुके हैं, रेखिक आलेख। तो इनको मिलाते हैं हम, ये मिला दिया, आप स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय आपको बताना है। तो देखते हैं 75 किलोमीटर दूरी कहाँ है, दूरी कहाँ है वाई अक्ष पर, 75 कहाँ आ रहा है वो देखते हैं। तो 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, 75 आएगा, देखिए कैसे, ये 70 की लाइन, ये 80 की लाइन, 75 कहाँ आएगा, 70 के बाद और 80 से पहले, तो यहाँ बीच में आपको एक थोड़ी हल्की मोटी रेखा दिखाई देगी, वो होगी 75 की। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 75 कहाँ है, 70 और 80 के बीच में, ये तो ये हो गई 75 किलोमीटर। तो यही पूछा है आपसे कि 75 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस 75 वाली लाइन को हमने बढ़ाया आगे, डैश डैश करके बढ़ाना आप। क्लियर है? ये जहाँ पर ग्राफ को काट रहे हैं वहाँ से हम एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं, तो ये कहाँ पर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में 4 खाने हैं और 1 इकाई मतलब 1 घंटा प्रदर्शित कर रही है, ये 4 खाने 1 घंटे को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 2 खाने पर, 2 और 3 के बीच में, तो ये किसको प्रदर्शित करेंगे, 2:30 बजे या 2.5 घंटे को, किसको प्रदर्शित करेंगे, ये 2.5 घंटे। इसका मतलब 75 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो 2.5 घंटे का समय लगता है। 2 और 3 के बीच में कितनी बजेगी, 2.5। क्लियर है? तो ए का उत्तर क्या आ जाएगा, 2.5 घंटा, कितना समय लगेगा, 2.5 घंटा। क्लियर? इसी का सेकंड प्रश्न है, अजीत द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो 3.5 घंटे की लाइन कहाँ होगी, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 4 खाने हैं, तो 3.5 घंटे के लिए कहाँ आएगा, 3 के बाद 2 खाने। क्लियर है? जब 4 खाने 1 घंटा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 2 खाने 1/2 घंटा प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो गई 3.5 घंटे की लाइन। इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ये ग्राफ को कहाँ काट रहे हैं वो देख लेते हैं हम, ये ग्राफ को जहाँ काट रहे हैं वो आपको मिलाना है, तो ये आ रहा है यहाँ पर। क्लियर? ये लाइन कहाँ आई, देखो 100 और 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में क्या आएगा, 105 आएगा, तो इसका मतलब कितना 3.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 105 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे बी का उत्तर, 105 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आया? ये यहाँ से हटाते हैं, तो इस बी का उत्तर क्या आया, 105 किलोमीटर। तो 3.5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 105 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आए ये सारे उदाहरण?
तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।